नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। स्काई यानी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और ये स्काई है सूर्य कुमार यादव। नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही सूर्य कुमार है जो आईपीएल शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 3 बार गोल्डन डक पर आउट हुए थे। उसके बाद आईपीएल के शुरुआती मुकाबले में भी उनके बल्ले से रन नहीं आए थे और लोग कहने लगे थे कि सूर्य का अब टाइम गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। कोई लिमिट नहीं है, यानी अभी स्काई का टाइम गया नहीं है। आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज ने कल RCB के खिलाफ मुकाबले में बताया कि उन्हें इस फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्यों कहा जाता है। सूर्य ने कल 83 रन की तूफानी पारी खेल मुंबई इंडियंस को शानदार जीत दिलाई और प्लेऑफ की रेस में अब भी कायम रखा है। मंगलवार को आईपीएल का 54वां मुकाबला RCB और MI के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। RCB की तरफ से फाफ डुप्लेसिस और मैक्सवेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 199 तक पहुंचाया। हालांकि यहां RCB के बाकी बल्लेबाजों ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, नहीं तो पारी का स्कोर शायद 220 तक पहुंच सकता था। चेस करते हुए मुंबई को 52 रन पर 2 झटके लग चुके थे, लेकिन इसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए सूर्य कुमार यादव ने निहाल वडेरा के साथ 66 गेंदों पर 140 रन की साझेदारी की और RCB के गेंदबाजों की खूब पिटाई की। सूर्य कुमार ने IPL करियर का अपना सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। सूर्य कुमार यादव ने मात्र 35 गेंदों पर 83 रन की तूफानी पारी खेली है, जिसमें उनके बल्ले से 6 छक्के और 7 चौके देखने को मिले। इसी के साथ सूर्य कुमार ने IPL में 3000 रन का आंकड़ा भी पार किया। वो ऐसा करने वाले 14वें भारतीय और ओवरऑल 22वें खिलाड़ी बने। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार ने IPL करियर में छक्कों का शतक भी लगा दिया है। RCB के खिलाफ 6 छक्के लगाकर सूर्य कुमार ने IPL में 100 सिक्स पूरे किए। सूर्य के अलावा निहाल वडेरा ने भी 52 रन की बेहतरीन पारी खेली। इन दोनों की शानदार बैटिंग के दम पर मुंबई ने 21 गेंद रहते ही 200 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस एक सीजन में सबसे ज़्यादा 3 बार 200 या उससे ज़्यादा का टारगेट चेज करने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई ने इस सीजन राजस्थान, पंजाब और अब बेंगलोर के खिलाफ 200 से ज़्यादा रन चेज किए हैं और इन तीनों मैचों में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 3 अर्धशतक देखने को मिले हैं, यानी सूर्य कुमार एकदम फॉर्म में है। सूर्य कुमार की इस बैटिंग को देखकर भारत के पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली ने भी उनकी खूब तारीफ की। सौरव गांगुली ने अपने ट्वीट पर लिखते हुए कहा, सूर्य कुमार यादव बेस्ट T20 प्लेयर हैं विश्व में। ऐसा लगता है जैसे वो कंप्यूटर पर खेल रहे हैं या बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट के बेस्ट बल्लेबाज है, कोई भी उनके आसपास भी नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।